बिसमरिम अल्लामकम एक्सरसाइज वन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर थ्री का ये है थर्ड पार्ट सॉल्व बाय कम्प्लीट एंड स्केयर और क्वेश्चन है एलेवन एक्स स्केयर माइनस थर्टी फोर एक्स प्लस थ्री इक्व टू ज़ीरो इसको कंप्लीट एंड स्केयर से अभी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीटस्ट केयर मेथड के फाइव स्टेप्स में इसको एक्सप्लेन करूँगा और उसमें स्टेप नंबर वन होगा कि के एक्स केयर का कोफिशंट वन होना चाहिए अगर ये वन नहीं है तो आप इसके कोफिशंट से डिवाइड कर लें अब ये कोफिशेंट इलेवन है तो यहाँ वन लाने के लिए स्टेप नंबर वन में हम क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई इलेवन बोथ साइड को इलेवन से डिवाइड किया जाएगा ताकि एक्स स्केयर का कोप्शन वन के कुल आए हर नंबर को लेफ्ट और राइट साइड में आपने इलेवन से डिवाइड कर दिया अब डिवाइड करने के बाद एक्स स्केर का कोप्शनट आ गया है वन माइनस पर आ जाएगा थर्टी फोर ओवर इलेवन एक्स प्लस थ्री ओवर इलेवन एक टू में आ जाएगा ज़ीरो अब स्टेप नंबर टू है कि आपने एक्स केयर और एक्स वाली टर्म को लेफ्ट साइड में और इसके अलावा ये जो टर्म है इसको आपने शिफ्ट कर देना है राइट right साइड में नेक्स्ट स्टेप हम यू करेंगे एक्स केयर माइनस थर्टी फोर ओवर इलेवन एक्स इक्व टू में आ जाएगा माइनस थ्री ओवर इलेवन और अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर थ्री होगा कि अब आपने देखना है कि एक्स का कोफिशंट क्या है इस वक्त वो है थर्टी फोर ओवर इलेवन आपने इसका हाफ़ करना है तो एड स्केर ऑफ हाफ़ कोफिशेंट ऑफ एक्स ऑन वो साइड तो एक्स का कोफिशेंट है थर्टी फोर ओवर इलेवन इसका हाफ़ करने के लिए आपने करना है इसको मल्टीप्लाई बाई वन ओवर टू इसको वन और टू से मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आ जाएगा सेवनटीन ओवर इलेवन ये जो हाफ ऑफिशंट बना है इसका स्केयर हमने बोथ साइड में ऐड करना है अब तो एक्स स्केर माइनस थर्टी फोर ओवर इलेवन एक्स और अब प्लस क्या किया जाएगा सेवनटीन ओवर इलेवन का स्केयर यही नंबर आपने राइट साइड में भी ऐड कर देना है और माइनस थ्री ओवर इलेवन था प्लस किया जाएगा सेवनटीन ओवर इलेवन स्केयर नेक्स्ट टर्म में चले जाएं अब ये वही लाइन दोबारा लिखी गई है जो प्रीवियस पेज में आई थी लास्ट लाइन और अब इसके बाद आप इसको लिख लें ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर की फार्म फर्स्ट टर्म बन गई है एक्स स्केर माइनस टू फर्स्ट टर्म एक्स सेकेंड टर्म आ जाएगी सेवनटीन ओवर इलेवन प्लस सेवनटीन ओवर इलेवन स्केयर इक्वल्स टू में क्या आएगा जी माइनस थ्री ओवर इलेवन और प्लस सेवनटीन ओवर इलेवन का स्केयर आ जाएगा टू एटी नाइन 121 बाई वन ट्वेंटी वन इसके बाद क्या करेंगे लेफ्ट साइड को आप होल स्केयर की फॉर्म में लिख लें राइट दी लेफ्ट हैंड साइड इन दी फॉर्म ऑफ कंप्लीट स्केयर ये कंप्लीट स्केयर में बनेगा x माइनस सेवनटीन ओवर इलेवन होल स्केयर यानी ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर था तो उसको हमने लिख लिया x माइनस सेवनटीन ओवर इलेवन होल स्केर और टू में अब आपने वन ट्वेंटी वन को लेना है एल्शियम एल्शियम को इस 11 से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा इलेवन उस 11 को फिर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस थर्टी थ्री एल्शियम को वन ट्वेंटी वन से डिवाइड किया आंसर आ गया वन वन मल्टीप्लाइड बाई टू एटी नाइन आंसर आ जाएगा टू एटी नाइन इस तरह एक्स माइनस सेवनटीन ओवर इलेवन होल केयर इक्वल टू टू फिफ्टी सिक्स ओवर वन ट्वेंटी वन फोर स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं और फिफ्थ स्टेप में ये किया जाएगा कि जब कंप्लीट स्केय बन चुके हैं तो अब आपने बहुत साइड का करना है स्केय रूट टेक द स्केय रूट ऑफ बो साइड्स एंड फाइंड वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल नेक्स्ट स्टेप जो है सो टेक ए रूट ऑन बोहत साइड्स राइट right साइड में जब हम रूल ले रहे हैं तो ये आंसर आ जाए इसके साइन आ जाएगा प्लस माइनस इस माइनस सेवनटीन ओवर इलेवन इक्व टू आ जाएगा प्लस माइनस सिक्सटीन ओवर इलेवन नौ आइड्र एक्स माइनस सेवनटीन ओवर इलेवन इक्व टू सिक्सटीन ओवर इलेवन प्लस सिक्सटीन ओवर इलेवन और एक्स माइनस सेवनटीन ओवर इलेवन इक्व टू माइनस सिक्सटीन ओवर इलेवन यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है ये माइनस सेवनटीन ओवर इलेवन अब आप राइट right साइड में ले जाएँ प्लस हो जाएगी इधर आगे टर्म और यहाँ पर ये माइनस सेवनटीन ओवर इलेवन को अब आपने शिफ्ट करना है ऑन राइट साइड अच्छा इसके बाद डेफिनेटली अब दोनों टर्ज में ओवर में एक्स ओवर में इलेवन आ गया है तो ये अब हो जाएगा हमारे लिए एलसीएम एवन एलसीएम लेने के बाद इधर आ जाएगा न्यूमिनेटर में सिक्सटीन प्लस सेवनटीन और एक्स की दूसरी वैल्यू के लिए इलेवन एलसीएम न्यूमिनेटर में आ जाएगा माइनस सिक्सटीन प्लस इलेवन यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ रही है सिक्सटीन प्लस सेवनटीन थर्टी थ्री ओवर इलेवन और इधर आ रही है वन ओवर इलेवन ये इलेवन के साथ थर्टी थ्री कैंसिल करें एक्स की वैल्यू आ जाएगी थ्री और, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ रही है वन ओवर इलेवन एक्स की पॉसिबल वैल्यूज आ चुकी हैं यही हमारे लिए बनेगा सलूशन सेट तो सलूशन सेट के अंदर ये वैल्यू लिख लें फर्स्ट वैल्यू थी थ्री और सेकंड वैल्यू आई है वन ओवर इलेवन तो ये आ गई है सॉल्यूशन सेट की वैल्यू उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी आपको ये लेक्चर कैसा लगा है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़